नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद धाकड़ स्वागत करता हूँ का फ्लाई एकेडमी भोपाल में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संस्कृत भाषा के निबंध का हम अर्थ समझेंगे हिंदी में कि संस्कृत, मैं आपको ट्रांसलेट करके बताऊंगा कि संस्कृत भाषा का निबंध आप किस तरीके से हिंदी में समझ सकते हैं ताकि आपको याद करने में और लिखने में आपको आसानी रहे और आपको उसका मीनिंग पता रहे तो आप आसानी से उसको कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। संस्कृत भाषा विश्वस्य सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा सर्वोत्तम साहित्य संयुक्ता चास्ति। मतलब कहा है कि संस्कृत भाषा जो है वो विश्व की सबसे पुरानी भाषाओं, प्राचीनतम भाषाओं में सर्वोत्तम साहित्य के लिए सर्वोत्तम भाषा है। संस्कृता परिशुद्धा व्याकरण संबंधी दोष रहिता हम संस्कृत भाषेसी निगितम। संस्कृत में बिल्कुल परिशुद्ध व्याकरण और ये दोष रहित व्याकरण इसमें है। प्राचीन समय ऐसे भाषा सर्वसाधारण आसीत। प्राचीन काल में, पुराने जमाने में ये भाषा जो है सर्वसाधारण थी, मतलब बोलचाल की भाषाओं में प्रचलित थी। सर्वे जना संस्कृत भाषा में ए बद्यंती, इसमें सभी लोग संस्कृत भाषा में ही बात करते थे। ऐसा एव अस्माकम पूर्वजननाम आर्याणाम सुलभा शोभना गरिमा में चा वाणी। इसलिए हमारे जो पूर्वज थे उनकी जो भाषा बिल्कुल सुलभ साधारण शोभनी और गरिमा में वाणी थी, भाषा थी। संस्कृत भाषायमेव विश्व साहित्यस्य, संस्कृत भाषा में विश्व साहित्य के सर्व प्राचीन ग्रंथ, सबसे प्राचीन ग्रंथ चत्वारो वेदा संति, चारों वेद हैं संस्कृत भाषा में ही, चारों वेदों को लिखा गया है। ऐसा महत्व महत्वमापि सर्वोपरि वर्तते, इनका महत्व सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। भास कालिदास अश्वघोष भवभूति दांडी सुवंधु बाण जयदेव प्रतवयो महाकव्यो नाटककार चा संस्कृत भाषा। ये जो सभी नाम भास हैं, कालिदास हैं, अश्वघोष हैं, भवभूति हैं, दांडी हैं, सुबंधु हैं, बाण हैं, जयदेव हैं, ये सब लोग संस्कृत भाषा के प्रमुख महाकवि और नाटककार हैं थे। जीवन के सर्व संस्कारेषु, सर्व संस्कार में संस्कृतस्य, संस्कृत का प्रयोग भवति, प्रयोग होता है। अधुना अपि संगणकस्य कृते संस्कृत भाषा अति उपयुक्त अस्ति। आज के युग में, आधुनिक युग में, मॉडर्न युग में संगणकस्य का मतलब था कंप्यूटर, कंप्यूटर लैंग्वेज के लिए, कंप्यूटर भाषा में संस्कृत भाषा का उपयोग सबसे सरल और अच्छा है। संस्कृत भाषा भारतस्य प्राणभूता भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा है भारत की प्राणभूता भाषा, मतलब उसकी आत्मा है। राष्ट्रस्य एकम च साधति, है राष्ट्र की एकता को, यूनिटी को साधती है। भारत भारतीय गौरवस्य रक्षणायाम एतस्याः प्रचारस्य सर्वैरेव कर्तव्य, भारत के गौरव के लिए इसको हमें बचाना होगा और इसका प्रचार हमें करना पड़ेगा। अतेव उच्यते, इसलिए कहा जाता है संस्कृति ही संस्कृताश्रिता, संस्कृति ही संस्कृताश्रिता, मतलब संस्कृति, हमारी जो संस्कृति वो संस्कृत पर आश्रित है। तो इसी तरीके से आपका जो संस्कृत भाषा का महत्व का जो वीडियो था वो फिनिश हो गया है और आपको उसमें हिंदी में मैंने जितना भी मुझसे कोशिश हुई मैंने आपको ट्रांसलेट करके उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताया। अगर आप ऐसा निबंध लिखते हैं तो आपको पेपर में पूरे में से पूरे मार्क्स जरूर मिल जाएंगे और अगर मुझसे कुछ गलती हुई समझाने में तो इसके लिए मुझे क्षमा करें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।